दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर से आरआरबी ग्रुप डी के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के कुछ नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हो देख लेते क्या क्या बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी बुक अवेलेबल हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और सिलेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? इसका सही आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज देना और बन जाना है स्मार्ट व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आरआरसी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2019 रेलवे ग्रुप डी शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम बदल चुके हैं और आज और अभी की लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, और जिसके अनुसार रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में रेलवे ने बदलाव किया है। पिछले महीने निकली गई ग्रुप डी भर्ती में इसे लागू किया गया है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को वजन उठाकर पहले चलना होगा। इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को ही दौड़ परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसे आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के नए 1,00,000 पदों के लिए 12 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके और 12 अप्रैल आवेदन करने की लास्ट डेट है। और रेलवे ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों को पहले चक्र में कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी और इस चक्र में पास अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा रेलवे की ओर से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में अभी तक पहले दौड़ और फिर वजन उठाने की परीक्षा कराई जाती थी, लेकिन संयुक्त रूप से परिणाम घोषित किया जाता था, लेकिन अब इसमें चेंज किया गया है। अब वजन उठाकर चलने की परीक्षा पहले होगी और उसके बाद इसमें पास अभ्यर्थी दौड़ परीक्षा में शामिल होंगे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दो स्टेज होंगे। पहले आपको वजन उठाकर दौड़ना होगा और उसका रिजल्ट आने के बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपको 1000 मीटर की दौड़ लगानी होगी। तो बहुत बड़े बदलाव हुए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर की बुक मिल जाएगी, जहां से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो आरआरसी ग्रुप डी के पदों के लिए।